क्या होगा अगर हमारी धरती के सारे ज्वालामुखी एक साथ फट जाए। हमने एलियंस पे बात की, हमने भूतों पर बात की, पर चलिए आज कुछ नया ट्राई करते हैं। अब से हमारे चैनल पर ये नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या होगा अगर। और हमारा पहला टॉपिक है क्या होगा अगर हमारी धरती के सारे ज्वालामुखी एक साथ फट जाए। अगर पृथ्वी के सारे ज्वालामुखी एक साथ फट जाए तो क्या हमारी पृथ्वी राख, लावा और झुलसा देने वाले गैसों से बच पाएगी? यह राख कितने ऊपर तक जाएगी? क्या कोई इसकी रिपोर्ट करने के लिए बचेगा? तो चलिए जानते हैं क्या होगा अगर धरती के सारे ज्वालामुखी एक साथ फट जाए। सारे ज्वालामुखी खतरनाक नहीं होते, मृत ज्वालामुखी, ऐसे जो पिछले 10,000 सालों से नहीं फटे, उनमें फटने के लिए जरा सा भी लावा मौजूद नहीं होता। हालांकि किसी भी समय में धरती पर 10 से 20 ज्वालामुखी फट रहे होते। कुल मिलाकर पृथ्वी पर 1500 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है और कई अनगिनत पानी के नीचे। क्या होगा अगर ये सारे ज्वालामुखी एक साथ फटे? ये कयामत जैसा होगा। अगर पृथ्वी के सारे ज्वालामुखी एक समय पर एक साथ फटे तो बहुत सारे विस्फोट होंगे। ये विस्फोट चट्टानों को तोड़ते हुए अपने आसपास के सारे इलाकों को चुटके में मिटा देंगे। 1000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्म चट्टाने और लावा अपने आसपास की सारी जगहों को पूरी तरह से मिटा देंगे। इन चट्टानों की गति आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा होगी। पर सारे ज्वालामुखी इतने शक्ति से नहीं फटेंगे, क्योंकि कुछ ज्वालामुखी फटने की जगह अपने लावा को धीरे धीरे से निकालते रहेंगे, जो कि ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगा। अब तक पृथ्वी का आधे से ज्यादा हिस्सा जल चुका होगा, पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद जो विस्फोट होंगे उनमें से निकलने वाले धुएं की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरे पृथ्वी को उस धुएं से ढक देगी। इस धुएं की मात्रा को आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा होगी। यह धुएं के बादल पृथ्वी को पूरी तरह से ढक देंगे और सूरज की रोशनी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस वजह से पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाएगी। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है। इस वजह से पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे जिन्हें हम खाने के लिए यूज करते हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ज्वालामुखी की राख असल में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये बहुत भारी होंगे। अगर काफी सारी राख आपके घर के ऊपर गिर जाती है तो आपका घर भी टूट सकता है। आप हवाई जहाज में भी इससे बच नहीं सकते। राख के गर्म बादल कारों और हवाई जहाजों के इंजिन को पिघला देंगे। इस वजह से सारे हवा में उड़ने वाली फ्लाइट्स एक एक करके नीचे आने लगेंगी। जो ज्वालामुखी समुन्द्र में मौजूद है वो पानी को एसिडिक बना देंगे। इस वजह से समुन्द्र में रहने वाले सारे जीव धीरे धीरे से खत्म होने लगेंगे। इस वजह से पूरी फूड चेन बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी तो हमारा ग्रह उस स्तर तक ठंडा हो जाएगा जिस तरह का तापमान यूजुअली अंटार्कटिक महाद्वीप पर होता है। पर इसके बाद कुछ ही दिनों में पृथ्वी का तापमान फिर से गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रमाण इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा कि पृथ्वी का तापमान सारा डिजर्ट जैसा हो जाएगा। और एक बात जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी, और ये बात पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीवन को नहीं बचा पाएगी, जो है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में कन्वर्जन करने वाले हमारे पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन के बिना ही सारा जीवन खत्म हो जाएगा। पर जो अमीर लोग हैं वो अपने लिए लैब में बने हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज करके बचे रहेंगे। अगर आप भी इस सबसे बच गए तो आपके लिए सबसे सुरक्षित जगह महासागर के बीच में या फिर किसी जमीन के नीचे बंकर में हो सकती है। बस सुनिश्चित कीजिए कि आपके लिए वहाँ पर खाने के लिए पर्याप्त खाना होना चाहिए। बाहर आने से पहले आपको वातावरण के साफ होने का इंतजार करना होगा, जिसको कई सालों का समय लग सकता है, और आप उस पृथ्वी को फिर से नहीं देख पाओगे जिसे आप जानते थे। लंबे समय तक ज्वाला की परत पृथ्वी के सतह पर होने से पृथ्वी को घूमने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर आप इस चीज़ को जरा सी डीप लेवल में सोचोगे तभी आपको समझ में आएगा। इस वजह से हमारी धरती पलट भी सकती है। जैसे आज से 3 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह पलटा था, और आपको उस ग्रह की हालत तो पता ही है। और इस वजह से पृथ्वी पर बचे कुछ लोग भी चल बसेंगे, पर ऐसा होना शायद इम्पॉसिबल है। पर हम हमारी कल्पना को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर आपको समझाने के लिए यहाँ पर बैठे।
तो बेशक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर एक्साइटेड होंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टर ट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। वीडियो को खुलकर शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम मिस्टर ट्यूब 17। वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।